हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर लवली इनू वीडियो। जी बिल्कुल, ये लवली इनू की बहुत ही स्पेशल वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लवली इनू की ब्लॉकचेन के ऊपर। जी बिल्कुल, वो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनका ब्लॉकचेन जल्दी आने वाला है, और अगर ब्लॉकचेन आ जाता है तो क्या हमें डॉलर पर देखने को प्राइस मिलेगी कि नहीं देखने को मिलेगी, और क्या इस साल के एंड तक ये डॉलर पर जाएगा कि नहीं जाएगा, और इस ब्लॉकचेन के क्या फ़ायदे हैं, क्या ये सोलाना एडीए और इथेरियम के टक्कर पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या हमें टॉप 10 कॉइन्स पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में ही करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखो मैं आप सबको प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं अगर मेरे चैनल का आपको एनालिटिक्स दिखाऊं तो बहुत सारे लोग वीडियो देख भी रहे हैं, फुल भी देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जल्दी जल्दी जाके, क्योंकि मैं भी एक लवली इनू की कम्युनिटी का मेंबर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्वाइन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिले, तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन को दबाओ, ताकि मैं सिर्फ लवली इनू के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाता, मैं कोई भी क्वाइन निकल के आता है उसके ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, मज़ेदार सी वीडियोज़ बनाता हूँ, हर चीज़ें आप लोगों के साथ जो भी रिसेंटली अपडेट निकल के आती है वो सारी शेयर करता हूँ। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन दबाओ, साथ में बेल के आइकन को दबाओ, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए सबसे पहले आप मिस ना कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लवली इनू के ब्लॉकचेन का मैंने जिक्र कहा जी, उसकी तरफ हम चलते हैं। पहले हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको अभी लवली इनू का पता नहीं है, वो पूछते हैं कि भाई हम इसको कहाँ से लें। भाईजान, ये बिटमार्ट पे भी अवेलेबल है, आपका बिटमार्ट पे तो एक्सचेंज पे अकाउंट होगा, बीकेएक्स पे भी होगा, P2B2 पे भी होगा, या लार टोकन पे, हॉटबिट है, कॉइन टाइगर है, इंडोएक्स पे, इतनी सारी एक्सचेंजेस पे है, आप ले सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भी डाल सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप वहाँ से जाके इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। तो अब हम इसकी करंट सिचुएशन देखते हैं भाई। करंट सिचुएशन ये है कि पिछले 24 घंटों में इसने हमें ग्रीन रन दी है, तकरीबन 7.15% का इसका पंप देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम मार्केट को भी इसके साथ देखते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, 4203 इसकी करंट प्राइस चल रही है, BTC की पेयर के हिसाब से हमें 6.91% देखने को मिल रहा है, और इथेरियम के पेयर के हिसाब से हमें 4.77% इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का स्पेशली एक सेकंड में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अब यहाँ पे देखें तो ये मार्केट भी अच्छी ग्रीन रन में चल रही है। बिटकॉइन 0.16 पे चल रहा है, इथेरियम 2.25 पे चल रहा है, बाइनेंस का कॉइन 0.82 पे चल रहा है, कार्डिनो में 1.64 पे देखने को मिल रहा है हमें। अगर बात की जाए इतने परसेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर XRP की बात करें तो वो भी हमें 2.61% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे शिबा इनू की बात करें, भाई शिबा इनू का तो पूछो ही ना, इतना अच्छा काम कर रहा है। तकरीबन आपने जाकर देखा होगा कि इलॉन मस्क ने भी इसके अगेंस्ट ट्वीट कर दी, भाई मेरे पास एक भी शिबा इनू नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि शिबा इनू का भी जो प्रोजेक्ट है, उनके भी जो ब्लॉकचेन, शिबा रैम, एक्सचेंजेस वगैरह सब कुछ, जो स्वैपिंग है, NFTs हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं, तो इस वजह से हमें पंप देखने को मिलता है। तो इसका भी हमें कोई यही चक्कर, पहली बात तो भाई आप सबको बधाई हो, क्योंकि 112K फॉलोवर्स हमारे ट्विटर पर हो चुके हैं, दिन ब दिन हमारे फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये एक गुड न्यूज़ है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे तकरीबन 33,000 होल्डर्स हो चुके हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब चलते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ब्लॉकचेन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसकी वेबसाइट पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे भाई इनका लिखा है, भाई इनकी वेबसाइट लॉन्च हुई, नेबल ऑडिट हुआ, बाउंटी कैंपेन हुआ, रिवार्ड प्रोग्राम हुआ, ला टोकन पे पब्लिक सेल हुई, उसके बाद हमें P2P2P पे देखने को मिला, ला टोकन पे लिस्टिंग देखने को मिली, लिस्टिंग हॉटबिट पे देखने को मिली, P2P2 पे लिस्टिंग देखने को मिली, BKX पे देखने को मिली, बिटमार्ट पे हमें देखने को मिली लिस्टिंग, पैनकेक स्वैप पे भी हमें देखने को मिली, लवली स्टेकिंग हमें देखने को मिला, स्वैप देखने को मिला, ये सारी चीज़ें हमें इसके लवली इनू में देखने को मिल चुकी है, जो अभी पहले से हो चुकी हैं। लवली इनू का लॉन्च पेड और कॉइन टाइगर भी हमें देखने को मिला, यहाँ पे इंडोएक्स पे भी लिस्टिंग देखने को मिली, लवली इनू की फार्मिंग, कॉइन गीको पे लिस्टिंग, कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग, उसके बाद इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, वॉलेट चल रहा है, 5-6 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग चल रही है, बाइनेंस पे चल रहा है, लवली की एक्सचेंज चल रही है। तो ठीक है ना, तो ये कुछ तो इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले इनके मैं टेलीग्राम पे देख रहा था, तो टेलीग्राम में इनका बताना चाहिए भाई, इनका जो फ्यूचर में जो इनकी बातें हो रही हैं अभी, ठीक है ना, कि बातें ये हो रही हैं कि ये इनको ब्लॉकचेन लॉन्च करना है। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने बताया कि लवली इनू एक टोकन है, क्वाइन नहीं है, क्योंकि टोकन वो होता है जो किसी और की ब्लॉकचेन पे काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लवली इनू BS स्कैन पे काम कर रहा है, इट मीन कि ये बाइनेंस का जो BNB एक्सचेंज है उनके ऊपर काम कर रहा है, उनका वो एक टोकन हम कह सकते हैं, लवली इनू क्वाइन नहीं है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब लवली इनू की अपनी एक्सचेंज आ जाएगी तो हमें लवली इनू एक क्वाइन के रूप में देखा देंगे। अब देखो बाइनेंस का BNB का अपना ब्लॉकचेन है, तो उस ब्लॉकचेन में हम काम कर रहे हैं, तो फायदा ब्लॉकचेन वालों को ही हो रहा है। तो इसी तरह अगर लवली इनू का हमें ब्लॉकचेन देखने को मिल जाता है तो हमें भी फायदा होगा,
क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर क्या करते हैं लोग, अपनी डी एप्स बनाते हैं, जो एप्लीकेशन होती है, और दूसरे टोकन होते हैं भाई, रिक्वेस्ट करते हैं भाई हम आपकी फीस देते हैं भाई, हम आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने कॉइन को लॉन्च करने वाले हैं, तो फिर वो उनके टोकन कहलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है लवली इनू में, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ता है। लेकिन जो बात मैं करूंगा, सीधी बात करूंगा, हो सकता है कि कुछ दोस्तों को बहुत बुरी लगे, लवली इनू इस दिसंबर तक 1 डॉलर तक नहीं जाएगा। जाएगा सही, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा, दिसंबर तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए इन्हें बहुत काम करना पड़ेगा, टाइम पीरियड लगेगा। अगर इसी जज्बे और जुनून के साथ इनकी फैन फॉलोइंग चलती रही, आप इनको सपोर्ट करते रहे, इनका प्रोजेक्ट चलता रहा, तो फ्यूचर में एब्सोल्युटली 1 डॉलर के 10 डॉलर तक भी जा सकता है, लेकिन दिसंबर तक नहीं जा सकता। क्योंकि मैं बात सीधी करूं, क्योंकि मेरे जो यूजर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको हर्टिंग होती है भाई, आपने ऐसा बुरा कर, जो जो चीज़ निकल के आ रही है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये एक जेन्युइन फैक्ट है। कुछ दोस्त पूछते रहते हैं कि भाई 1 डॉलर 1 डॉलर 1 डॉलर, तो इनका विजन है जो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है भाई, इनका जो टास्क है वो एक बहुत बढ़िया टास्क है, तो बढ़िया टास्क के लिए हमें बहुत बड़ा टाइम देना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है भाई, एक दिन में उठाया हमने लगा दिया। दिसंबर तक तो 1 डॉलर नहीं होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है, क्योंकि अभी तक कोई भी कॉइन ऐसा नहीं आया जो इतना नहीं हुआ। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल ये जाएगा, लेकिन ये अपना टाइम पीरियड लेगा। हो सकता है अगले साल हो जाए, उससे अगले साल हो जाए, लेकिन ये टाइम पीरियड लेगा, उसके बाद हमें इसको 1 डॉलर पर देखने को मिल सकता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई, थोड़ा बहुत जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं करें इन्वेस्ट, आप अपनी सेविंग का 1% लगाया करें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद आप क्या करें, इतना इन्वेस्ट किया करें जो आप अफोर्ड टू लूज कर सकते हैं। देखो, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें 1 सेकंड का भी कुछ नहीं पता सकता। आप क्या करें, अकाउंट बनाएं भाई, उसमें लवली इनू 10 डॉलर के ले लिए, लेके आप क्या करें, अकाउंट को भूल जाएं, अकाउंट को भूल जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप 5 साल बाद खोलेंगे तो भाई पता नहीं आपको कितना प्रॉफिट लवली इनू देगा, कि आप सारी जिंदगी इसको दुआएं देते रहोगे। तो ये कुछ क्रिप्टो मार्केट के कुछ उसूल हैं, क्योंकि आई होप कि आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात आप समझ चुके होंगे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, इतनी वीडियो देख ली, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके वो लाल वाला बटन है उसके साथ क्या करते हो मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन, जो घंटा है ना इसको तो बजाते जाओ इसको, और साथ में इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो में मैंने 200 लाइक कायम रखा है, और आई होप कि लवली इनू की टीम इतने के फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर पर, और मुझे इतने लाइक नहीं देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जल्दी जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक भी करें, अपना फीडबैक दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पीस।